हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस इज क्लास 7 चैप्टर 9 हिस्ट्री द फ्लावरिंग ऑफ रिलीजियस कल्चर्स. क्लास 7 चैप्टर 9 हिस्ट्री द फ्लावरिंग ऑफ रिलीजियस कल्चर्स. ठीक है, धार्मिक जो संस्कृतियां थी, धर्म से जुड़ा हुआ जो कल्चर था वो कैसे फला फूला, ठीक, कैसे आगे बढ़ा, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम कम ऑन योर चैप्टर. A substantial development during the medieval period was the emergence of the distinct regional cultures and traditions. एक बहुत ही सॉलिड जो डेवलपमेंट था, बहुत ही ठोस जो डेवलपमेंट, बहुत ही मजबूत जो विकास हुआ मिडिवियल पीरियड में, यानी मुगलों के समय में, वो क्या था? Was the emergence of the distinct regional cultures and traditions. इस समय बहुत ही अद्भुत, बहुत ही डिस्टिंक्ट, यानी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छी दिखने वाली जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थीं और जो परंपराएं थीं वो मिडिवियल पीरियड में आईं. Each region witnessed the growth of unique and specific language. Medieval period में हर area जो था, हर इलाके में, हर इलाका गवाह था या सबूत वहाँ से मिलता था बहुत ही अद्भुत और बहुत ही specific भाषा का, कि भाषा की growth का, development का, भोजन की growth का, food की growth का, clothes कपड़ों की growth का, art कलाओं की growth का, poetry की growth का, music संगीत की, dance नृत्य की, इन सारी चीज़ों का जो ग्रोथ था वो हर रीजन विटनेस था, इन सारी चीज़ों का गवाह था. डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं का डेवलपमेंट कैसे हुआ मुगलों के समय में, मिडिवियल पीरियड में, क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ लैंग्वेजेस केम इनटू यूज ड्यूरिंग द मिडिवियल पीरियड इन इंडिया. कह रहे हैं नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारी जो भाषाएं थी केम इनटू यूज ड्यूरिंग द मिडिवियल पीरियड इन इंडिया, वो भारत में मिडिवियल पीरियड के समय में आई. विद द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के साथ ही, दिस पीरियड नॉट ओनली विटनेस द यूज ऑफ अरेबिक. इस पीरियड में केवल अरेबिक भाषा को, अरेबिक भाषा ही नहीं मिलती है या पर्शियन भाषा ही नहीं मिलती है, बल्कि बर्थ ऑफ अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू, एक नई भाषा का भी यहाँ पर जन्म हुआ जिसे उर्दू के नाम से जाना जाता था. सबसे पहले अरेबिक देखेंगे. अरेबिक वॉज द लैंग्वेज दैट वॉज प्रीवेलेंट इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया. जो अरेबिक भाषा थी वो सेंट्रल और वेस्ट एशिया में चलती थी. इट वॉज वाइडली यूज बाई द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. इस भाषा का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत के बादशाह करते थे. द यूज ऑफ अरेबिक वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर. अरेबिक जो भाषा थी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर. उसको रोक दिया गया था या उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको मना किया गया था कि किसी भी धार्मिक या फिलोसफिकल साहित्य में, लिटरेचर में, किताबों में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है? ये अरेबिक भाषा का इस्तेमाल किताबों को लिखने में नहीं किया जाएगा. जो धार्मिक और फिलोसफिकल, यानी दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई जो किताबें थीं वो, उनमें इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. फिलोसफिकल मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही डिटेल में लिखना, ठीक है. कहते नहीं कि तुम बहुत बड़े फिलोसोफर हो, जब किसी चीज़ को हम लोग दोबारा अच्छा समझाने लगते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो कहते हैं तुम ज़्यादा फिलोसोफर ना बनो, ठीक है. तो उसे ही फिलॉसफी कहते हैं, या फिलोसफिकल जो लिटरेचर है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखने की जो किताबें होती थी या जो धार्मिक किताबें थी, उसमें अरेबिक भाषा का इस्तेमाल करने से मना किया गया था. उसके बाद कह रहे हैं द फतवाए आलमगीरी रिटन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वॉज अ लॉ ट्रीटाइज. फतवाए आलमगीरी नाम की जो किताब थी जो कि मुगलों के समय में लिखी गई थी वॉज अ लॉ ट्रीटाइज. उसमें कानून के ऊपर बताया गया था. लॉ ट्रीटाइज यानी व्यवहार में जो वो किताब थी वो कानून के ऊपर थी. अब आ जाता है पर्शियन. पर्शियन ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया. पर्शियन जो भाषा थी वो 10th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया में निकली थी. पर्शियन वॉज इंट्रोड्यूस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद द अराइवल ऑफ द टर्क्स. तुर्क के लोग, इन टर्की से जो लोग यहाँ पर आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने इस भाषा से, पर्शियन भाषा से इंट्रोड्यूस कराया. द टर्क्स मेड पर्शियन द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. इस तरीके से जो तुर्क लोग थे, जो टर्क्स थे, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया. यानी राजकाज जो में बोली जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भाषा बोली जाती थी देश में, वो पर्शियन लैंग्वेज थी. मेनी कोर्ट रिकॉर्ड्स, क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज वर रिटन इन पर्शियन. बहुत सारे कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं, दरबार के जो रिकॉर्ड्स थे, क्रॉनिकल्स बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, जो ट्रेवलर्स आते थे और अपनी यात्रा के बारे में लिखते थे कि उन्होंने क्या क्या किस राज्य में देखा, उन्हें हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं. बायोग्राफीज किसी की जीवनी जो लिखी जाती है. ऑटोबायोग्राफीज कोई राजा अपने बारे में खुद लिखे हैं, ठीक है, उसे ऑटोबायोग्राफीज बोलते हैं.
वह रिटन इन पर्शियन, उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस ऑफ दिस पीरियड वर अबुल फजल बरानी, मिनहाज सिराज, आतिफ एंड इसामी। बहुत ही महत्वपूर्ण जो इतिहासकार थे, यानी इतिहास के बारे में जिन लोगों ने लिखा है इस समय, उनमें अबुल फजल बरानी, मिनहाज सिराज, अफीफ और इसामी हैं। फैजी एंड उत्बी वर वेल नोन पर्शियन पोएट्स। फैजी और उत्बी नाम के जो कवि थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाने जाने वाले पर्शियन पोएट थे। इट इज बिलीव दैट द यूज ऑफ पर्शियन लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथेंड कल्चरल टाइज विद सेंट्रल एशिया एंड ईरान। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो पर्शियन भाषा थी, इसकी वजह से जो सांस्कृतिक बंधन थे सेंट्रल एशिया और ईरान के बीच में, जो टाइज था, जो संबंध थे, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए। अमीर खुसरो हैज बीन नोन टू बी द मोस्ट रिनोट पर्शियन स्कॉलर ऑफ द मिडिवल पीरियड। अमीर खुसरो को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है एक प्रसिद्ध पर्शियन विद्वान के रूप में मिडिवियल पीरियड के। अमीर खुसरो को मिडिवियल पीरियड के यानी मध्यकालीन समय के एक बहुत ही विद्वान पर्शियन स्कॉलर के रूप में जाना जाता है। ही वॉज अ लीडिंग पोएट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत के पीरियड का वो एक बढ़ता हुआ कवि था। अमीर खुसरो इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द गजल फॉर्म ऑफ कंपोजिंग पोएट्री। अमीर खुसरो को इस बात का भी क्रेडिट जाता है कि उसने पोएट्री को गजल के रूप में भी कंपोज किया। इस चीज से उसी ने इंट्रोड्यूस कराया, परिचित कराया। इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसमें खलीक बरी, अ डिक्शनरी कंपोज्ड इन वर्स, ये एक ऐसी किताब है जो कि दूसरी भाषा का ट्रांसलेशन है, तुगलकनामा है, टेक्स्ट ऑन घियासुद्दीन तुगलक, ये घियासुद्दीन तुगलक के ऊपर लिखी गई एक किताब है। टेक्स्ट का मतलब बुक। अमीर खुसरो इज नोन टू इंट्रोड्यूस द सबाके हिंदी, सबक ए हिंदी और स्टाइल ऑफ इंडिया टाइप ऑफ राइटिंग। अमीर खुसरो को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उसने सबक ए हिंदी या भारतीय भाषा में लिखने का जो तरीका था उससे अमीर खुसरो ने ही इंट्रोड्यूस कराया। ही ऑल्सो डेवलप्ड हिंदवी, उसने हिंदवी भाषा को भी डेवलप किया, विच लिटरेरी मीन्स ऑफ हिंद, जिसका साहित्यिक जो मतलब होता था वो हिंद होता था। अमीर खुसरो मोस्टली रोट इन पर्शियन एंड अरेबिक, ज्यादातर अमीर खुसरो ने पर्शियन और अरेबिक भाषा में लिखा है। However, his works reflect Indian influence as well. लेकिन उसके जो काम है, उसकी जो किताबें हैं, उसमें भारतीय प्रभाव भी दिखाई देता है। अमीर खुसरो's works started a cultural exchange. अमीर खुसरो ने जो काम किया है, जो किताबें लिखी हैं, started a cultural exchange. उसकी वजह से सांस्कृतिक बदलाव आया संस्कृत और पर्शियन भाषा में। Many संस्कृत works were translated into Persian. बहुत सारी जो संस्कृत का किताबें थी उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, जैसे कि भारत के महान ग्रंथ रामायण और महाभारत, इनको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया। अब संस्कृत भाषा के बारे में देखिए। संस्कृत हैज बीन अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन इंडिया। संस्कृत शुरुआत से ही एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषा रही है प्राचीन भारत की, पुराने समय के इंडिया की। इट वॉज ऑल्सो द कोर्ट लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये राजाओं की, दरबार की मुख्य भाषा भी हुआ करती थी। एंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर रिलीजियस पर्पजेज, और धार्मिक उद्देश्य के लिए भी इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिश होने के बाद या इसके आ जाने के बाद, मैनी लिटरेरी वर्क्स, बहुत सारे जो किताबें थी या साहित्य की जो किताबें थी उनको संस्कृत में रचा गया। द भक्ति सेंट्स ऑफ द मिडिवियल पीरियड सच एज रामानुज एंड माधवाचार्य रोट देयर वर्क्स इन संस्कृत। भक्ति धारा के जो संत महात्मा थे मिडिवियल पीरियड के, उनमें रामानुज और माधवाचार्य ने अपनी किताबों को संस्कृत में लिखा। संस्कृत रिसीव्ड पैट्रोनेज फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड एज वेल एज मुस्लिम रूलर्स। संस्कृत भाषा को हिंदू और मुस्लिम राजाओं दोनों लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया, ये नहीं कि कोई मना कर रहा है। संस्कृत भाषा खूब अच्छी तरीके से चली, हिंदू राजाओं ने भी सपोर्ट किया और मुस्लिम राजाओं ने भी सपोर्ट किया। इम्पॉर्टेंट संस्कृत लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड्स कल्लण सुराजतरंगिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत का साहित्य इस समय का उनमें शामिल है। कल्लण के द्वारा लिखी गई, कल्लण भी एक पोएट थे, इन्होंने राजतरंगिनी लिखी। इट गिव्स अ डिटेल ऑफ द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के राजाओं के परिवार का जो इतिहास है उसमें वो राजतरंगिनी में देखने को मिलता है डिटेल में। कथा सरित सागर, ओशन ऑफ स्टोरीज रिटन बाय सोमदेव। कथा सरित सागर, जिसे कहानियों का महासागर भी कहा जाता है, इसे सोमदेव ने लिखा था। इंक्लूडेड मोर देन 22,000 संस्कृत श्लोकाज, जिसमें कुल मिलाकर के 22,000 संस्कृत के श्लोक या 22,000 संस्कृत के श्लोक शामिल हैं। द पर्शियन स्टोरी ऑफ यूसुफ एंड जुलेखा रिटन बाय द पोएट जामी। पर्शियन जो कहानियां हैं यूसुफ और जुलेखा की, इसे जामी नाम के कवि ने लिखा है। वॉज ट्रांसलेटेड इन टू संस्कृत, जिसको कि संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया है।